छत्तीसगढ़ के हीरो को इंदौर में लाकर बेचने वाले दो आरोपी को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। 15 हीरे जब्त, हीरो की कीमत 3.5 लाख। नमस्कार, मैं हूं रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज। देखिए इंदौर की खास खबर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की खनिज खदान से निकले हीरो को इंदौर में बेचने का प्रयास करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 55 हीरो को इंदौर क्राइम ब्रांच ने जब्त किया है। माइनिंग एक्ट में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। जब्त किए गए हीरो की कीमत करीब 3.5 लाख रुपए बताई जाती है। इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति परदेसीपुरा शिव मंदिर के पास चोरी के हीरो को औने पौने दामों में बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्यवाही करते हुए मुखबिर के बताए स्थान शिव मंदिर के पास से दो आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता हासिल की। वहीं जब पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने अपना नाम तेजा उर्फ अशोक, विक्की उर्फ विक्रम होना बताया। बिना लाइसेंस के खनिज पत्थर मिले तो धराए। दोनों आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके पास से 55 नग हीरा खनिज पत्थर मिले, जिसके संबंध में उनके पास वैध लाइसेंस नहीं होना बताया। आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करने पर उक्त हीरे उन्हें गरियाबंद छत्तीसगढ़ से चोरी करना कबूल किया। वहीं पकड़े गए आरोपियों से क्राइम ब्रांच ने 55 नग हीरे एवं 2 मोबाइल जब्त किए हैं। जब्त हीरो की कीमत 3.5 लाख से ज्यादा बताई गई है। पुलिस ने माइनिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज। आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।